नमस्कार, लाइट कुकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू और टमाटर की सब्जी। ये देखिए, मैंने ये छोटे साइज के आलू लिए हैं, जिसे मैंने पतले लंबे स्लाइसों में कट कर लिया है। इसमें मैंने 3 चम्मच पहले से ही मस्टर्ड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे कुटी हुई 1 चम्मच साबुत धनिया और आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा। और गैस का फ्लेम हम 2 मीडियम रखेंगे। इसी में हम डाल देंगे ये सूखे कड़ी पत्ता और इसमें हम डाल देंगे ये बारीक दरदरी कुटी हुई लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। अच्छे से हम भूनेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्च को। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए आलू। मैंने इन्हीं मसालों में 2 मिनट तक आलू को अच्छे से फ्राई किया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच टर्मरिक पाउडर और 1 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर और 1 बड़ा चम्मच हल्का धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। और गैस का फ्लेम हम 2 मीडियम रखेंगे। इन मसालों में भी हम आलू को अच्छे से भूनेंगे। चलिए, हमारे आलू भी मसाले के साथ भून चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये धनिया पत्ती के डंठल, इससे भी बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। और इसी में हम ये कटे हुए टमाटर भी ऐड कर देंगे। और इसी के साथ हम एक मिनट चलाते हुए भूनेंगे। पानी ऐड कर देंगे। हमें टमाटर बिल्कुल गलाने नहीं है। और अब इसे हम कवर करके पकाएंगे 2 मीडियम फ्लेम में। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारे आलू भी अच्छे से गल चुके। मैंने ये ग्रेवी अपने हिसाब से रखी है, क्योंकि मैं इसे चावल के साथ सर्व करूंगी। आप रोटी या चावल किसी के भी साथ खाएं, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ग्रेवी रख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये कटी हुई हरा धनिया चलिए हमारी आलू टमाटर की सब्जी बनके रेडी है। मैंने इसे 10 मिनट लो मीडियम फ्लेम में कवर करके पकाया था और बीच बीच में मैंने चेक भी किया था। अब करेंगे हम गैस ऑफ और करेंगे इसकी प्लेटिंग। लीजिए, हमारे आलू टमाटर की सब्जी बनके रेडी है। मैंने इसे चावल के साथ सर्व किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।